Assalamu alaikum students. Under the topic of images and impressions, this is our first poem, Autumn by T.E. Hume. And this is the second lecture of the head, Images and Impressions. And we are going to do easy critical analysis of the poem as well as discuss the important questions while analyzing the poem. So let's start with the poem. The text is here. A touch of cold in the autumn night, I walked abroad and saw the ruddy moon lean over a hedge. Like a red-faced farmer, and I did not stop to speak, but nodded. And round about were the wistful stars with white faces like town children. जी, आपके सामने एक इमेज है ऑटम्न नाइट का, और इसमें आप देख लीजिए कि आपके सामने एक मून है. और आप इस चीज़ के जहन में रखिएगा कि जो पोइट है, हमने पढ़ा इसमें इमेजेस एंड इम्प्रेशंस में कि पोइट जो है वो बाय द यूज़ ऑफ वर्ड्स वो क्रिएट करता है वो फीलिंग. तो अभी उसने जिस वक्त कहा टच ऑफ कोल्ड इन द ऑटम नाइट, तो दिस इज़ इनफ टू क्रिएट एन एटमोसफियर विच विल मेक द रीडर फील कोल्ड, कि अभी ठंड लग रही है. तो ये एक उसने यहाँ पर यूज़ किया अपने वर्ड्स के थ्रू, उसने एक फीलिंग क्रिएट की कि रीडर जो है उसके माइंड में एकदम से कोल्ड का फीलिंग आता है. और अभी हमारे सामने एक इमेज मौजूद है ऑटम नाइट का, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि पोइट जो है वो जब बाहर निकला है घर से, अब्रॉड घर से बाहर निकला है आउटसाइड द हाउस, तो उस वक्त उसने ये एक सीन देखा है जिसमें उसके सामने एक मून है और स्टार्स हैं. अब जब हम ये बात करते हैं टच ऑफ कोल्ड इन द ऑटम नाइट, तो एकदम से ये पूरा सीनरी जो है वो हमें थोड़ा सा कोल्ड का फीलिंग देने लग जाता है जी. उसके बाद पोइट बताता है जी, वहाँ पर जब वो पहुँचा है ही सॉ द रेडी मून, तो ये हमारे सामने एक रेडिश मून है. ये थोड़ा सा मुझे फाइंड आउट करना पड़ा, एक रेडिश मून है हमारे सामने, लीन ओवर अ हेज, और फेंस की जगह यहाँ पर आपको कुछ ट्रीज नज़र आ रहे होंगे, कुछ प्लांट्स होंगे. तो उसने एक इमेज देखा है मून का और उसने बोला कि उसका कलर जो है वो रेडिश है, लाइक अ रेड फेस्ड फार्मर. अब क्या है कि उसने एक तो इसको डिस्क्राइब किया नेचुरल सीन को, कि एक मून है जिसका कलर रेड है, लेकिन वो रेड कैसा है, तो उसने इसलिए कि आप उसको इमेजिन करें, तो उसने आपके सामने एक इमेज प्रेजेंट किया रेड फेस्ड फार्मर का, कि कभी आप अगर इमेजिन करें एक फार्मर को, तो फार्मर आपको पता है कि उनका काम जो है वो बहुत हेक्टिक होता है, जिसको करने के बाद उनका चेहरा ऑटोमेटिकली वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से रेड हो जाता है, तो एक एक्टिव उसमें जो नज़र आता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से जो उसका फेस है वो रेड होता है, और वही रेडिश जो उसमें कलर है वो उसने इस मून में देखा है. तो हम ये कहेंगे कि दोनों चीज़ें जो हैं वो उसको रिलेट कर रहा है, कि मून के थ्रू वो इमेजिन कर रहा है रेड फेस्ड फार्मर को, और हमें वो मून का कलर डिस्क्राइब करने के लिए रेड फेस्ड फार्मर का इमेज हमारे सामने लेकर आ रहा है. इसके क्रिटिकल एनालिसिस तो हम आगे फिर जाकर करेंगे, ये भी एक एनालिसिस है कि जिसमें वो मून को डिस्क्राइब करने के लिए उसने एक रेड फेस्ड फार्मर का इमेजिनेशन इमेज हमें दिया है, ताकि हम उसको इमेजिन कर सकें कि वो रेड फेस कैसा हो सकेगा. आई डिड नॉट स्टॉप टू स्पीक, जी पोइट के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो वहाँ रुके, बट ही नोडेड, उसने थोड़ा ग्रीट किया है, सर हिलाया, सर के इशारे से उसने सलाम दुआ ले ली है जी चांद से. एंड राउंड अबाउट वर द विस्टफुल स्टार्स, तो अभी इसके गिर्द आप देख लीजिए बहुत सारे स्टार्स हैं, तो एज़ कम्पेयर टू द मून, मून का जो है कलर वो रेडिश है, तो स्टार्स आपको सारे के सारे नज़र आ रहे हैं कि वो ब्राइट हैं, वाइट हैं, बट दे आर सैड, सैड स्टार्स. तो कैसे हैं सैड स्टार, विद वाइट फेसेस लाइक टाउन चिल्ड्रन, कि उनके फेसेस जो हैं वो वाइट हैं बिल्कुल जैसे कि शहर के बच्चों के होते हैं. तो ये उसने हमें वो स्टार्स का जो कलर है उसका कलर बताने के लिए उसने हमें रेड फेस्ड वाइट फेसेस जो हैं वो चिल्ड्रन के वो हमें बताए हैं,
कि बिल्कुल पेल हुए, वाइट पड़े हुए, जिनके अंदर खून नहीं है, तो वो वाले स्टार्स हैं, नहीं कि उनका कलर ऐसा वाइट है। तो अभी इसको अगर हम देखें तो इसमें एक सिर्फ और सिर्फ उसने किया है, ये जो हमारे सामने पिक्चर नज़र आ रही है असल में उसने इसको इमेजिन करवाने की कोशिश की है। उसके लिए उसने ये सारे इमेजेस जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं। उसने ग्राफिक पिक्चर दिया है ऑटम नाइट का, जिसमें सिर्फ उसने डिस्क्राइब किया एक मून और उसके साथ स्टार्स, और साथ ही उसने हमें बताने के लिए कि मून का कलर कैसा है और स्टार्स का कलर कैसा है, तो उसके लिए उसने हमें इमेजेस दिए, बट नॉट फ्रॉम द फैंटास्टिक वर्ल्ड और इमेजिनेटिव वर्ल्ड। उसने हमें वो इमेजेस दिए हमारी रियल वर्ल्ड से, जिनको हम वेरी रेडी रेफरेंस के लिए हम उनको इमेजिन कर सकते हैं, कि फौरी तौर पर हर इंसान जो है वो एक्सपीरियंस करता है और उनको उसको पता होता है, इसलिए वो इमेजिन कर सकता है उनको ईजीली। तो ये हम कहेंगे कि वेरी अब्रप्ट यूज़ ऑफ इमेजेस। तो वही बात आ गई कि अगर हम इस पोएम का रेफरेंस लिखने जाते हैं तो हम सिंपली ये बताएंगे कि ग्राफिक पिक्चर ऑफ एन ऑटम नाइट, द पोएट कंपेयर्स द मून विद रेड फेस्ड फार्मर्स हु लिव इन विलेज एंड स्टार्स विद वाइट फेस्ड चिल्ड्रन। इसमें कंपैरिजन हमें नज़र आता है मून का और स्टार्स का। मून जो है वो उसके साथ कंपेयर करता है वो रेड फेस्ड फार्मर्स को, और स्टार्स के साथ वो वाइट फेस चिल्ड्रन को करता है, और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करता है इन ऑर्डर टू सिंबलाइज के जो विलेज है उसके अंदर जो एयर है वो बहुत फ्रेश होती है, अनपोल्यूटेड होती है और हेल्दी एयर होती है, जबकि जो सिटी होता है उसकी एयर पोल्यूटेड होती है, उसका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, अनहेल्दी होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट उसने दिया है थ्रू अ नेचुरल सीनरी। तो आप देख लीजिए कि ये एक छोटी सी पोएम है जिसके थ्रू उसने हमें इतने सारे आइडियाज़, एक तो उसने हमें ऑटम नाइट का पिक्चराइजेशन कर दी, पूरा नेचर सीन उसने हमारे सामने ले आया, और दूसरी हमें उसने उस इमेजिनेशन को के बिल्कुल राइट और एप्ट जो है वो उसका हमारा इमेजिनेशन हम बना सकें, क्रिएट कर सकें अपने माइंड में, उसके लिए उसने हमें कंपेरिजन दिया, सिमिलीज यूज़ किए उसने रेड फेस्ड फार्मर के और वाइट फेस्ड चिल्ड्रन के। तो उसके साथ उसने हमें एक फिनोमिनन दिया टू क्रिटिसाइज द एनवायरनमेंट प्रेविलेंट इन सिटीज़ एंड इन द विलेजेस। उसने बताया उनका कंपैरिजन करके कि विलेजेस में एयर बहुत हेल्दी होती है जबकि सिटीज़ में वो पोल्यूटेड होती है। तो ये एक उसने क्रिटिसिज्म किया है जी। अ कोल्ड सेंसेशन कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड नाइट, जैसे ही वो बात करता है कि कोल्ड है, ऑटम नाइट है, तो फौरी एक इससे जो इम्प्रेशन डेवलप होता है कि रीडर उस कोल्ड को फील करता है। ही सॉ द मून फ्रेश हेल्दी कलर बेंडिंग ओवर द हेज, लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द फेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फार्मर। उसका फेस जो है उसे शो करता है कि फार्मर हेल्दी है, तभी तो वो इतना एक्टिवली काम कर सकता है और उसकी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो फेस है वो रेड कलर का है। इट सिम्बलाइजेज द हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ द विलेजेस, और इसने सिम्बलाइज किया हेल्दी इन्वायरमेंट को विलेजेस के, उसने सिम्बलिज्म भी यहीं पर मौजूद है जी। द फार्मर्स लिव इन द ओपन एंड द फ्रेश एयर विच कीप्स देम इन गुड हेल्थ, देयरफॉर देयर फेसेस टर्न रेड एंड शाइनिंग। और ये एक उसने फिनोमिनन हमें इसके थ्रू बताया है जी। द पोइट हैड नो टाइम टू स्टॉप एंड टॉक विद मून, जी वो टॉक कर सके उसके पास टाइम नहीं है। और अगर हम इसको गौर करें तो हमें लायर नज़र आती है, लायर याद आती है कि इसमें कहा जी ही डज़ नॉट हैव एनी टाइम टू पे हिज अटेंशन। तो उसने बात की थी जी नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, तो बिल्कुल इसके पास भी कोई टाइम नहीं है टू स्टैंड एंड स्टेयर एंड टॉक टू द मून टू अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी, येट ही नोडेड हिज हेड टू ग्रीट द मून। उसके पास टाइम नहीं था कि वो बहुत लंबी लंबी बातें करता। मॉडर्न मैन है और मॉडर्न पोइट्स जो हैं उनका काम होता है कि वो प्रिसाइज रहते हैं, छोटी सी बात करते हैं और उस छोटी सी बात के थ्रू बहुत सारे मीनिंग्स जो हैं वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कसीदे लिखना शुरू कर दें मून के बारे में। इसने छोटी सी एक बात की है और उसके बाद उसने चांद को हेलो हाई किया और चल पड़ा है जी। अराउंड द मून देयर वर सैड स्टार्स लुकिंग लाइक टाउन इन सिटी चिल्ड्रन हु हैड वाइट एंड पेल फेसेस, और वो जो हैं वो स्टार्स के जो वाइट फेसेस हैं उनके थ्रू सिंबलाइज किए जा रहे हैं जी। सिंबलाइजिंग अनहेल्दी एंड पोल्यूटेड एनवायरनमेंट ऑफ द सिटीज़, देर इज़ नो फ्रेशनेस एंड ग्रेस ऑन देयर फेसेस। तो इसलिए उसने उनको कहा कि जी वो बिल्कुल वाइट फेसेस हैं, तो ये बिल्कुल वही जर्द रंग है जिसके लिए
अक्सर आपने सुना होगा कि एल्डर्स जो हैं वो कहते हैं तुम्हारा रंग बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो असल में होता है जिसको सफ़ेद रंग होता है वो, और आप सोचते हैं आप ज़्यादा गोरे हो गए हैं, बट इनफैक्ट वो एक पेल कलर होता है कि जिसमें आपका ब्लड जो है वो कमी हो जाती है उसमें। सिमिलीज इसमें जो यूज़ किए गए हैं, रेड मून लाइक अ फेस ऑफ अ फार्मर एंड स्टार्स लाइक टाउन चिल्ड्रन, ये दो सिमिलीज हमें नज़र आते हैं यहाँ पर। और नेचुरल इमेजेस की अगर हम बात करें जिसके थ्रू ये इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, ऑटम नाइट का, कोल्ड का, फिर मून का कैसा है कलर और स्टार्स का कैसा कलर है, और फिर उनके थ्रू जो सिम्बलिज़म हमारे सामने आता है, तो ये सारे उसने नेचुरल इमेजेस यूज़ किए हैं टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। ऑटम नाइट ये एक इमेज है, रेडी मून इन द स्काई, वॉकिंग अप रोड, रेड फेस्ड फार्मर, विशफुल स्टार्स, तो ये सारे के सारे नेचुरल इमेजेस हैं जो पोइट इस पोइम में यूज़ करता है टू क्रिएट द इम्प्रेशन। अब जिस पोइम में हमें जो मिलता है अंडरलाइन थीम, वो मिलता है कंपैरिजन बिटवीन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। द सिटीज़ आर पोल्यूटेड एंड कंपैरेटिवली विलेजेस आर फ्रेश एंड इन हेल्दी एनवायरमेंट। जो सिटीज़ की एयर होती है पोल्यूटेड होती है, विलेजेस जो हैं वो फ्रेश होते हैं। सिंपल स्टाइल विद रिदमिक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स पोइम के अगर हम देखें तो इसमें हमें फेस जो है वो टू टाइम्स यूज़ होता नज़र आता है, तो उससे एक रिदम आता है, नोडेड जो है वो एक रिदम है। तो फ्री वर्ड्स पोइम है जी हमारी, इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है। द मून लुक्स ब्राइट फ्रेश एंड एक्टिव, अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड मूवमेंट। द इमेज ऑफ स्टार्स सिम्बलाइज द पोल्यूटेड मिस्टी एंड अनहेल्दी एटमोसफेयर द सिटीज, सिंपली रेपिटेशन है जी उसी बात की। द इनहेबिटेंट ऑफ सिटीज आर द सिंबल्स ऑफ लेजीनेस, दे सीम लाइफलेस स्टिल एंड सैड। उसने विस्टफुल स्टार्स कहा, इसीलिए कहा कि चूंकि उनका एनवायरमेंट हेल्दी नहीं होता, पोल्यूटेड होता है, तो पोल्यूशन मेक्स यू सैड एंड विदर्ड एंड लेजी। ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट है उसके आपके साइकोलॉजी पर भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके फिजियोलॉजी पर भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये सारी डेवलपमेंट जो है उसके जो है इसको अफेक्ट कर रहा होता है जी। पेंटेड द पिक्चर ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज वेरी ब्यूटिफुली थ्रू हिज इमेजिनेशन बाई यूजिंग वेरी एप्ट एंड प्रिसाइज इमेजेस। उसने यूज़ किए हैं कि फ्रेजेस यूज़ किए, इमेजेस यूज़ किए, और हमारे तक उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें पहुंचा दी कि अगर हम इन सारी बातों को पढ़ने जाते हैं रोमांटिक्स के पास, पिक्टोरियंस के पास, तो वो हमें दो दो पेजेस की पोइम लिख कर देते और फिर हमें वे सारी बातें कन्वे करते। तो हमारे जो मॉडर्न पोइट्स हैं उनको लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना रीडर के पास इतना टाइम है कि वो पढ़ने में और सोचने में इतना वक्त लगाएं, इसलिए बहुत ही एब्रप्ट किस्म के इमेजेस यूज़ किए जाते हैं, कंसाइज इमेजेस फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं, टाइम भी सेव किया जाता है और वर्ड्स को भी सेव किया जाता है, और हमें इन शॉर्ट टाइम इन फ्यू वर्ड्स अपना जो थीम होता है और अपना जो आइडिया होता है वो कन्वे कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।